बिहार पुलिस वादे की पक्की निकली और उसने जो वादा किया था कि भारत बंद के दौरान जो लोग उपद्रव करते पाए जाएंगे उनका चबूतरा लाल किया जाएगा। और जगह जगह से ये समाचार आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को भीम आर्मी के समर्थकों का चबूतरा लाल कर दिया जा रहा है और बिहार पुलिस वादे की एकदम पक्की निकली। बिहार पुलिस रॉक और प्रदर्शनकारी शौक हो चले हैं। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के पटना सहित राज्य भर के कई जिलों से और देश के कई भागों से आ रही है और भारत बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ है पुलिस और भीम आर्मी के सदस्यों समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बिहार की राजधानी पटना, जहानाबाद सहित कई जिलों में लाठी चार्ज की सूचना आ रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर बिहार समेत देश के कई राज्यों में लाठी चार्ज की नौबत क्यों आ गई है, आखिर बिहार सहित देश के कई भागों में भारत बंद का क्या असर हुआ है, ये अभी की हम अपडेट लेकर आपके पास आए हैं। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहीं किसी दूसरे न्यूज को देखने को आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम अपडेट आपको भारत बंद के दौरान जो कुछ भी हो रहा है लाइव अपडेट आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आप सभी जानते हैं कि आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने किया और इसको कुछ राजनीतिक दल भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बिहार में जहां राष्ट्रीय जनता दल VIP जैसी पार्टियां इस बंद को समर्थन दे रही है, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। और देश के कई राज्यों से जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। और आपको बताते चले कि सिपाही भर्ती परीक्षा का आज एग्जाम चल रहा है और इसके लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताते चले कि बिहार के राजधानी पटना के बगल में जहानाबाद में जमकर बवाल हुआ है, जहां पर प्रदर्शनकारी भारत बंद के दौरान पूरे सड़क को बंद किए हुए थे और परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही थी। प्रदर्शनकारियों को थानाध्यक्ष ने बहुत बार समझाया लेकिन फिर भी ये लोग बात नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना से भी समाचार आ रहा है कि पटना में भी कई जगह पर बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और बताया जा रहा कि जहां बिहार की राजधानी पटना के साइंस कॉलेज के पास, आपको बताते चले कि डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और बैरिकेडिंग तोड़ रहे भीम आर्मी के सदस्यों को बुरी तरीके से ऐसा किया गया है कि उनका चबूतरा लाल हो चुका है और बिहार पुलिस अपने वादे की पक्की निकली। आज सुबह की खबर में हमने आपको बताया था कि शासन और प्रशासन ने इन उपद्रवियों को साफ साफ चेतावनी दी थी और कह दिया था कि अगर उपद्रव फैलाने की अगर कोशिश की जाएगी तो बिहार पुलिस मार मार कर इनका चबूतरा लाल कर देगी। और इन सब का चबूतरा लाल हो चुका है, यानी कि बिहार पुलिस वादे की एकदम पक्की निकली। और बताया जा रहा कि बिहार की राजधानी पटना में भी कई जगह प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुए हैं और बताया जा रहा कि डाक बंगला चौराहे पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और बंद समर्थकों का जुलूस गांधी मैदान से बढ़कर जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचता है वैसे ही पुलिस इन्हें समझाने का प्रयास करती है लेकिन ये लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। वहीं बताया जा रहा कि साइंस कॉलेज के पास भी प्रदर्शनकारी उपद्रव पर उतारू थे, जिसके बाद बिहार पुलिस ने साइंस कॉलेज के पास भी लाठी चार्ज किया है और बिहार पुलिस इन सब का
चबूतरा लाल कर रही है, जहां पर ही प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। एक तो ये लोग टैक्स नहीं देते हैं और उसके बाद सरकार के टैक्स पर पलते हैं और उसके बावजूद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। और सरकारी संपत्ति सरकार की नहीं है, बल्कि जो लोग भी टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से सरकार विकास का काम करती है। और ये लोग आगजनी कर रहे थे, ये लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रदर्शन हो, धरना हो, कोई भी मांग है, तो उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी मांगों को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग भारत बंद कर रहे हैं, इनमें से 99% लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया है। और आपको बताते चले कि शेड्यूल कास्ट की महज 1 से 2 जातियाँ ही मलाई चाट रही है, चाहे मुसहर जाति हो या फिर वाल्मीकि समाज के लोग हो, इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करने का जो दिशा निर्देश जारी किया है वह लागू हो करके रहेगा। और आप समझ लीजिए कि जहां चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी सपोर्ट में है, सरकार के सपोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में है, क्योंकि जीतन राम मांझी की जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पा रहा है। चिराग पासवान आरक्षण का लाभ लेकर इनके पिताजी भी क्या बन गए आप सभी जानते हैं, ये खुद क्या बन गए वो भी आप सभी जानते हैं। और आपको बताते चले कि ट्रेन और बसों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था और पुलिस इन लोगों को मार मार कर भगाने का काम कर रही है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप किस जिले से हैं, अभी आप वर्तमान में कहां पर है, और सबसे बड़ा सवाल आपसे ये कि क्या आपके इलाके में भारत बंद का असर दिख रहा है। जैसा कि समाचार आ रहा है चाहे बिहार शरीफ से हो, सहरसा से हो, सुपौल से हो, दरभंगा से हो, जहानाबाद से हो, या फिर नवादा से हो, वैशाली से हो, मुजफ्फरपुर से हो, सीतामढ़ी से हो, पश्चिमी चंपारण से हो, सिवान हो, या फिर गोपालगंज हो, कहीं पर भी भारत बंद का असर नहीं देखा जा रहा है। महज कुछ शहरी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर असर देखा गया है, जिन लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद की थी, बाद बाकी कहीं पर भी बिहार के 45,000 गाँव में कहीं भी भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। और आपको बताते चले कि जो बंद करने चले हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिर बंद क्यों किया जा रहा है, आप कहां से हैं और आपके यहां भारत बंद का क्या असर है, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।